टिकटॉक में एक साउंड का ऑप्शन है, उस साउंड के ऑप्शन से यार तुम कोई भी सॉन्ग के ऊपर वीडियो बना सकते हो, अपने फेवरेट सॉन्ग के ऊपर वीडियो बना सकते हो। बट आप में से सारे लोग क्या मिस्टेक करते हैं, आप लोग ओल्ड सॉन्ग के ऊपर वीडियो बनाते हो, जो सॉन्ग यार एक दो तीन महीने पुराने हो जाते हैं, जो सॉन्ग एक साल पुराने हो जाते हैं, आप उन डायलॉग्स और सॉन्ग के ऊपर वीडियो बनाते हो। अभी कुछ दिन पहले यार एक सॉन्ग आया था एमिवे का मचाएंगे, तो मैंने भी यार उस सॉन्ग पे वीडियो बनाई थी। बट जिस दिन सॉन्ग आया था उसके मैंने दो दिन बाद वीडियो बनाई। आपको यार हमेशा टिकटॉक में एक्टिव रहना और नए सॉन्ग का आपको हैशटैग डालना होता है, तो मैंने अभी ये हैशटैग डाला मचाएंगे और एमिवे का सॉन्ग एमिवे लिख दिया। आपको क्या करना है, जो बड़े बड़े टिकटॉक स्टार होते हैं वो यार रोज वीडियोस बनाते हैं, आपको उनका अकाउंट रोज जाके देखना है क्या चैलेंज के ऊपर वो वीडियो बना रही है, कौन से सॉन्ग के ऊपर वो वीडियो बना रही है, आपको उनसे आइडिया ले लेना है। हाँ जी ये चैलेंज आ गया, फिर आपको उस चैलेंज के ऊपर और उस नए सॉन्ग के ऊपर वीडियो बनानी है और उसका हैशटैग यार याद से यूज करना है। सेकेंड मिस्टेक, आप में से 90% लोग ये ही मिस्टेक करते हैं, जब आप अपनी टिकटॉक में वीडियो अपलोड करते हो आप उस वीडियो को बार बार देखते हो, आपको कभी भी अपनी वीडियो को बार बार नहीं देखना। और ये होता है क्या, आपको मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो सपोज करते हैं आपने टिकटॉक में वीडियो अपलोड कर दिया और उस वीडियो में आपको 10-15 व्यूज आ गया, बट आपने उस वीडियो को 50 बार देख लिया। अगर तुम ज्यादा बार देखते हो तो तुम्हारा वीडियो का व्यूज फ्रीज हो जाएगा, आपको कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी, वीडियो को 3 या 4 बार से ज्यादा नहीं देखना। आपको कभी भी अपना टिकटॉक का वीडियो रात को नहीं पोस्ट करना, अगर तुम टिकटॉक का वीडियो रात को पोस्ट करते हो तुम्हारे डेफिनेटली बहुत ही कम व्यूज आएंगे ही आएंगे। तो याद रखना यार हमेशा टिकटॉक का वीडियो सुबह पोस्ट करना, 12 बजे के बाद ही पोस्ट करना और 6 बजे से पहले पोस्ट होना चाहिए आपका टिकटॉक का वीडियो। टिकटॉक में बहुत अच्छे अच्छे फिल्टर हैं, एक F3 फिल्टर बहुत अच्छा है और दूसरा S7, ये बहुत काम के फिल्टर हैं। और अब मिस्टेक क्या होती है हमारे बैकग्राउंड की, हम लोग क्या करते हैं, हम वीडियो तो अच्छी बना लेते हैं बट हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो जब भी आपको टिकटॉक वीडियो बनानी है कोई अच्छे बैकग्राउंड में बनानी है, और Team07 भी यार अपना वीडियो कहीं बाहर जाकर शूट करते हैं जिससे उनकी वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज हो जाए। मैं भी अपना टिकटॉक वीडियो बाहर जाके शूट करता हूँ कहीं पार्क में, पहले मैं अपना वीडियो घर में शूट करता था, मेरे वीडियो में लाइक्स कम आते थे, व्यूज कम आते थे, बट अब मैं अच्छे बैकग्राउंड में शूट करता हूँ जिससे मेरे व्यूअर्स और फॉलोअर्स को मेरा वीडियो अच्छा लगता है। तो अगर आपके पास अच्छा बैकग्राउंड नहीं है घर में तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, अब होममेड अच्छा बैकग्राउंड कैसे बना सकते हो, टिकटॉक के लिए प्रोफेशनल बैकग्राउंड कैसे बना सकते हो, आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप व्हाइट शीट भी यूज कर सकते हो, व्हाइट शीट से ऐसा होता है तुम्हारा वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा हो जाता है। वीडियो में जितना हो सके उतना कूल दिखो यार, वीडियो कभी डर डर के ना बनाओ, अगर तुम वीडियो में जितना हो सके उतना अच्छा दिखोगे ना डेफिनेटली तुम्हारे लाइक्स भी ज्यादा आएंगे। और यार कुछ यूनिक किया करो हर एक वीडियो में, ऐसा ना किया करो एक वीडियो अच्छी बना दी दूसरी वीडियो बकवास है, ऐसे वीडियो ना बनाया करो। और यार तुम्हें कंटेंट कॉपी नहीं करना, अपना खुद का कंटेंट बनाना है, मतलब आप में से बहुत सारे डुएट डायलॉग्स वीडियो सेम बनाते हो, अगर तुम डुएट वीडियो बना रहे हो तो डुएट यार डिफरेंट स्टाइल में करो, अगर तुम डिफरेंट स्टाइल में करोगे डेफिनेटली तुम्हें लाइक्स आएंगे। और अगर तुम ट्रांजिशन वीडियो बना रही हो, एक सॉन्ग में यार बहुत सारी ट्रांजिशन दिखाओ और वीडियो में हर कुछ न्यू दिखाओ, जैसे एक वीडियो बनाते हो नेक्स्ट वीडियो यार उससे भी